हे गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे हम लोग वेन्यू पे आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे बोला है बट मैंने म्यूट लगा दिया क्योंकि वॉइस बहुत ही स्लो आ रहा था कि ज़्यादा सॉन्ग चल रहे थे तो कॉपीराइट भी हो जाता और स्लो भी आ रहा था तो आप लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने म्यूट लगा दिया। तो मैं दीदी, जीजू, चाचा, मम्मी ये लोग आए सूजीत को साथ में लेकर। तब तक कोई भी गेस्ट नहीं आया था तो हम लोग पहले ही आए। तो डेकोरेशन आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा डेकोरेशन हुआ है तो हम आपको बाहर से दिखाती हूँ। मैं एकदम बाहर का भी ली थी तो आगे आपको मिल जाएगा। तो सब सूर्य का फोटो वगैरह लगा, तो डेकोरेशन बाहर का भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एंड अंदर का आप देख सकते हो, ये सारा डेकोरेशन हुआ है। काफ़ी टाइम उन्हें लगा है डेकोरेशन करने में बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। ऐसा मतलब सोचा नहीं था कि इतना अच्छा डेकोरेशन होगा बट बहुत अच्छा हुआ। ये स्टेज है, यहाँ पर चाचा बैठे हुए हैं, वो पहले ही आकर बैठ चुके थे और उस टाइम तो कोई था भी ना, वो आकर बैठे हुए हैं। तो ये डेकोरेशन आप देख सकते हो, सारा डेकोरेशन मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक एक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने देखो बर्थडे गर्ल कितनी प्रीटी लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रो रही है, सुबह इतना सारा फ़ोटो क्लिक कराई है तो काफ़ी टायर्ड हो चुकी है। बट अभी और भी इनका फ़ोटो वगैरह क्लिक करना है, अभी तो मेन फंक्शन बाकी है बर्थडे का, तो वो सब होगा। तो काफ़ी मेहनत किया सूजी ने भी बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर खाने का वेन्यू है पूरा, यहाँ पर जो भी है खाने का लगेगा, नाश्ता वगैरह खाना, तो ये सब यहाँ का भी डेकोरेशन देख सकते हो। यहाँ पे भी बलून वगैरह लगा है सब कुछ, बस थोड़ा सा एक चीज़ है कि वहाँ पे अगर वाइट चेयर होता तो ज़्यादा बेटर लगता बट कोई बात नहीं, इन्होंने ऐसा यही चेयर प्रोवाइड किया। एंड ये सारा डेकोरेशन बताना आपको कैसा लगा, हमें तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था। और यहाँ पे सूर्य भी घूम घूम के अपना बर्थडे डेकोरेशन देख रही है, अभी तो उसको समझ में नहीं आएगा बट वो जब बड़ी हो जाएगी ना तो उसको सब समझ में आएगा कि मम्मी पापा ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, बहुत हैप्पी हो जाएगी क्योंकि सब वीडियो फ़ोटो तो बन ही रहा है, कैमरामैन सब बनाया है, काफ़ी अच्छा कैमरामैन भी था, अच्छे से गाइड कर रहे थे। धीरे धीरे करके गेस्ट वगैरह सब लोग आ रहे थे, सूर्य को गिफ्ट भी मिल रहा था, कुछ कुछ लोग पहले ही गिफ्ट दे रहे थे। तो यहाँ पे जीजू हैं, इनको अपने गेस्ट वगैरह से लोगों से मिल रहे हैं। और अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, सब लोग आ जाए तो थोड़ी देर बाद फंक्शन स्टार्ट होगा। तो आपने कार वाला एंट्री तो देखा ही, कार वाला एंट्री हो चुका है लास्ट व्लॉग में, उस समय कोई नहीं था, हम ही सब लोग थे तो वो वाला कार वाला एंट्री तो हम लोग ने देखा, बाकी कोई नहीं देखा। तो यहाँ पे है सब लोग, सूर्य ही दीदी जीजू के साथ फ़ोटो ले रहा है, तो एक एक करके बहुत सारे लोग आकर लेंगे, हम लोगों ने भी लिया है तो आपको आगे जाकर सब मिल जाएगा। अब वीडियो को पूरा वॉच करना, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं बर्थडे से रिलेटेड। यहाँ पे सूर्य और दीदी का फ़ोटो शूट हो रहा है, सूर्य काफ़ी टायर्ड हो चुकी है क्योंकि सुबह भी फ़ोटो शूट था, अभी भी फ़ोटो शूट है, अभी केक कटिंग तो बाकी है। तो यहाँ पे हो रहा है जीजू और दीदी का फ़ोटो शूट, तो टाइम बहुत था हमारे पास क्योंकि हम लोग बहुत पहले आ गए तो फ़ोटो शूट तो होने लगा, काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटो निकाले साथ में सारे लोग, मम्मी के साथ और सारे गेस्ट के साथ मेरे साथ। मैं तो आवाज़ ऊपर से दे रही हूँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इतना साउंड हो रहा था, इतना ज़्यादा नॉइस था, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऊपर से बोली नहीं वहाँ पे क्योंकि मुझे पता था आवाज़ अच्छा नहीं आएगा, क्लीन नहीं आएगा और बहुत स्लो आएगा। तो बस यहाँ फ़ोटोशूट वगैरह होगा, थोड़ी देर बाद केक कटिंग होगा, तो काफ़ी एक्साइटेड है सूर्य को केक कटिंग करने के टाइम क्योंकि वो तो बहुत रो रही है, देखो कैसे होता है एंट्री भी करना है तो सूर्य बस रोए ना। और यहाँ पे जीजू के साइड के जो सारे गेस्ट हैं वो हैं, उन सब लोग फ़ोटो वगैरह निकाल रहे हैं, तो बाकी आप वीडियो में बने रहना, देखते रहो। और काफ़ी अच्छा रहा सब कुछ, बहुत मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना अच्छा डेकोरेशन होगा बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ डेकोरेशन वगैरह, बहुत अच्छा लगा डेकोरेशन। और इसका मेरा लुक कुछ ऐसा है और लाइटिंग कम आ रही है आई थिंक इसकी वजह से, पिछले महीने लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अभी फोटो वगैरह हुआ, अभी और गेस्ट आ रहे हैं, मतलब इसको से नीचे नहीं थे मेरे, ये सब सब लोग बोला दो मुझे लेकिन वही पकड़ के मतलब आशीर्वाद का सामान उठाना उठवाना नीचे देखना पड़ा था सब। टिशू से थैंक यू थैंक यू।
सारे गेस्ट आ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अभी केक कटिंग वगैरह। धीरे केक आ गया, चलो बेबी चलो। कौन गया है लेने? नील कंघी लेके आए हम लोग, इसको कंघी लाई है ना तू उसके बैग में, पिंक वाले में। नो 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 नहीं बात करना, नहीं बात करना, ठंडा है वो मत। अभी यहाँ पे नाश्ता वगैरह है, तो नाश्ता वगैरह सब कुछ बहुत टेस्टी था, और जूस वगैरह था, छाछ था, लस्सी था, दो तीन टाइप का लस्सी था, जूस था दो तीन टाइप का, पाइनएप्पल पता नहीं किस किस चीज़ का था, मुझे अच्छे से पता नहीं, एंड और पनीर पकौड़ा और ये सब कुछ था, पनीर। एंड काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, मैंने तो खाया क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। सुबह का कुछ नहीं खाया था मैंने, सिर्फ नाश्ता किया था, नाश्ता करने के बाद मैंने खाना नहीं खाया था घर पे, मैं सोची डायरेक्ट यहीं पे खाऊंगी क्योंकि मन नहीं था मेरा खाने का। तो नाश्ता वगैरह खाना वगैरह सब बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने सोचा था कि पान में लास्ट में खाऊंगी, बट मैंने पान खाना भूल गई मैं, तो पान लास्ट में बचा ही नहीं क्योंकि मैं बहुत लेट कर दी थी, बट कोई ना। और खाना वाना सब अच्छा था, और दीदी जी जो कुछ लोग और थे जो एकदम लास्ट में खाएं, एंड सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जूस वगैरह बीच बीच में मैं पी रही थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रहा था। अभी है सूरी का एंट्री टाइम, तो सूरी का एंट्री, ये जो बलून वगैरह है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। अभी एंट्री होगा सूरी का, और बहुत क्रैंकी होने वाली है क्योंकि बहुत रो रही थी वो। अभी छोटी बच्ची है ना, अभी एक साल की है, तो अभी मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं 1 ईयर के बर्थडे पे ऐसे ही रोते रहते हैं।
पूरा बड़ा तो बैठा नहीं तो गाइस लास्ट में हम लोगों ने फोटो क्लिक किया क्योंकि उनके साइड का बहुत ज़्यादा गेस्ट लोग आ रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा पहले उनको क्लिक करा लेते फिर हम लोग क्लिक कराएंगे। बाकी वीडियो बताना आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करने में लाइकों को प्लीज बिल्कुल ना भूलें। एंड गाइस इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।